नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई हर रोज पिछले 15 दिनों से हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन पर कोई सटीक प्लान तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ की और दिल्ली को मुंबई से सीखने की नसीहत दी। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान होंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेकर राजी नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए क्या तो रहे कर देंगे तो चलने की हालत है इसकी, क्या हमें बैठने चाहिए? कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल यह आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से, तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है, लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाए। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार को पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के इस संकट काल में ऑक्सीजन की मांग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी मॉडल की तारीफ की थी और दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी को बीएमसी के अधिकारियों के अनुभव से सीखने को कहा था। दरअसल बीएमसी ने सबसे पहले सिलेंडर से ऑक्सीजन की होने वाली बर्बादी रोकी। इसके लिए बड़े कोविड केयर सेंटर्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को बदला गया, सिलेंडर बेस्ड सिस्टम को पाइप बेस्ड सिस्टम बना दिया गया, जिससे जंबो सिलेंडर के जरिए ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इसके साथ 13,000 किलोलीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक तैयार किया गया है। अहम बात यह है कि बीएमसी ने यह तैयारी कोरोना की दूसरी लहर आने से काफी पहले जनवरी में ही कर ली थी, जिससे कोरोना के इस दौर में मुंबई ऑक्सीजन को लेकर मारामारी से बचा रहा। अदालतें बार बार सरकार को कारगर एक्शन के साथ ऐसी ही सूझबूझ से काम करने की सलाह दे रही हैं, ताकि महामारी के समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ